सबसे पहले लातूर की जनता को इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। शहनशीन पे तशरीफ फरमा आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब, इसी तरह महाराष्ट्र अध्यक्ष रेखाताई ठाकुर साहिबा, मराठवाड़ा अध्यक्ष अशोक भाऊ हिंगे पाटिल साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम साथी, क्योंकि स्टेज खचाखच भरा हुआ है। अगर नाम लेने जाऊं तो मेरे तकरीर का वक्त इसी में ख़त्म हो जाएगा। चूँकि आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब हमारे बीच में हैं, मैं दो मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि सामने जो मजमा है एससीज का है, एसटीज का है, ओबीसीज का है, दलितों का है, मुसलमानों का है, तो आप सब के तरफ से, क्योंकि हालात जो भी महाराष्ट्र में है ये इस तमाम तबकात के ऊपर है, तो मैं आप तमाम के तरफ से दो मिसरे आदरणीय बाला साहब को कहते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि दरिया के उस तरफ जो तू बैठा दिखाई दे, दरिया के उस तरफ जो तू बैठा दिखाई दे, फिर क्या किसी को बीच में दरिया दिखाई दे। वंचित बहुजन आघाड़ी वक्त की अहम तरीन जरूरत है, यह जरूरत है मुसलमानों की, यह जरूरत है दलितों की, यह जरूरत है ओबीसीज की, यह जरूरत है हर उस पूरे पिछड़े हुए समाज की जिसको अपना हक नहीं मिलता है, यह जरूरत है हर उस शख्स की जो चाहता है कि इस महाराष्ट्र के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर हम बराबरी से जिए, तो उसको चाहिए कि वो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ खड़ा रहे और वंचित बहुजन आघाड़ी को सत्ता में लाए। याद रखो, मैं जिस दिन से वंचित बहुजन आघाड़ी से जुड़ा हूं, मैं हर जगह मुसलमानों से, दलितों से, एससी से, एसटी से एक बात याद दिलाने की कोशिश करता हूं, और वो ये होती है कि तुम्हारे मसाइल हमारे मसाइल एक है। इस महाराष्ट्र के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के जो मसाइल है वो मसाइल दलितों के साथ भी है, वो मसाइल पिछड़े हुए तबकात के साथ भी है, वो मसाइल वंचितों के साथ भी है। जब हमारे मसाइल एक है, जब हमारी जो है तो स्थितियां एक जैसी है, तो क्यों ना हमारे मसाइल को बदलने के लिए, क्यों ना हमारे हालात को बदलने के लिए हम सब एक झंडा उठा ले वंचित का और एक लीडर को चुन ले। आज से कई साल पहले इस देश के वंचितों ने अंबेडकर साहब को चुना था, आज हमारे पास दोबारा मौका है अंबेडकर साहब को चुनने का। हालात खुद नहीं बदलते, हालात को बदलना पड़ता है, और हालात को कौन बदलता है? हालात को तुम और हम जैसे लोग बदलते हैं, और हालात किस तरह से बदलते हैं कि एक झंडा उठाया जाए, जो झंडे के, जिसके हाथ में झंडा है उसकी कयादत कबूल की जाए। किसकी कयादत कबूल की जाए? जो संविधान का लिखने वाला हो, जो संविधान का नाफिस करने वाला हो, जो संविधान को बचाने वाला हो। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने हैं, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग पक्षों से लोग आएंगे, ढकोसलेबाजियां करेंगे। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, आपको सबसे पहले सावधान रहना पड़ेगा, आपको सबसे पहले होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके बीच में कुछ लोग शेरवानी पहनकर, हरे मफलरा डालकर आपको बर्बाद करने के लिए आएंगे। आपको अपनी नजरें खुली रखनी होगी। मैं जब भी प्रकाश अंबेडकर साहब को देखता हूं, चार मिसरे मेरे जहन में आते हैं, मैं वो सुनाता हूं, चूंकि टाइम कम है, बात जो हमको आदरणीय प्रकाश साहब को सुनना है, लेकिन चार मिसरे बाला साहब के लिए कि ये अलग बात,
के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मुसलमानों, आने वाले दिनों में चुनाव है, याद कर लेना कि औरंगजेब के नाम पर जब तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो वो कौन सी कयादत थी जिसने औरंगजेब की मजार पे जाके ये बताया कि औरंगजेब इस देश का बादशाह था और उसके ऊपर विवाद नहीं हो सकता। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी आने वाले चुनाव के अंदर टीपू सुल्तान की बात आएगी तो तुमने याद दिलाना कि इस माहौल के अंदर एकमात्र पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी थी जो टीपू सुल्तान की तस्वीर को अपने स्टेजों पे लगाती थी और हवाला भी किस बात का देती थी, हवाला इस बात का देती थी कि जब संविधान के अंदर तस्वीर मौजूद है तो हमारे स्टेज पे क्यों नहीं। हमारे हालात को समझो, जज्बात में लाने वाले लोग आने वाले हैं, तुमको वर्गलाने के लिए लोग आने वाले हैं। मैं मेरे एससी से, एसटी से, ओबीसी से और दूसरे तिगर तमाम तबकात के मेरे भाइयों से कहता हूं कि अभी वक्त है अपनी लीडरशिप को पहचानो, अभी वक्त है अपने मसाइल का हल ढूंढ के निकालो, नहीं तो आने वाले चुनाव के बाद पछताना पड़ेगा।